हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज आपको बताने वाला हूँ कि जो सोरायसिस की प्रॉब्लम है सर्दी के दिनों में क्यों बढ़ जाती है, सर्दी में ही प्रॉब्लम क्यों बढ़ती है, बारिश और गर्मी के मौसम में क्यों नहीं बढ़ती है। और कई बार ये देखा गया है कि सर्दी के मौसम में ही सोरायसिस पहली बार किसी पेशेंट में हमको मिलती है। सोरायसिस जो है एक स्किन की प्रॉब्लम होती है, जो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, जिसमें व्यक्ति की स्किन जल्दी जल्दी बनती है और झड़ती है, बनती है और झड़ती है, साथ में एक वहाँ लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, खुजली भी होती है वहाँ पर। तो ये जो प्रॉब्लम है सर्दी के मौसम में क्यों बढ़ती है, सर्दी के मौसम में इसलिए बढ़ती है क्योंकि सर्दी के मौसम में विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्योंकि जो विटामिन डी है हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है, बहुत अच्छा एक इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने वाला विटामिन होता है, एक स्टेरॉयडल हार्मोन्स की तरह काम करता है। जब सर्दी का मौसम आता है तो धूप कम हो जाती है, कई कई एक एक महीने धूप नहीं निकलती है, और धूप ना निकलने के कारण शरीर में धूप नहीं पड़ेगी, और शरीर में धूप नहीं पड़ेगी तो विटामिन डी नहीं बन पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जो नेचुरल विटामिन डी है वो हमें सूरज की किरणों के संपर्क में जाने पर बनता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में सूरज निकलता नहीं है, सूरज निकलेगा नहीं तो विटामिन डी बनेगा नहीं, और विटामिन डी नहीं बनेगा तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे बॉडी के अंदर जो ऑटो इम्यून रिएक्शन होती है जो सोरायसिस में होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि विटामिन डी इसको कंट्रोल करता है, लेकिन विटामिन डी की कमी हो गई है तो बढ़ जाती है, जिस कारण से आपकी बॉडी में जो सोरायसिस के सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाएंगे, और हो सकता है स्किन में खुजली ज़्यादा हो, बहुत जल्दी जल्दी आपकी स्किन बनती और टूटती जाएगी, ये सब समस्या आपकी विंटर में बढ़ जाती है। ठीक, तो इसलिए आपको उस टाइम विटामिन डी के बारे में सोचना चाहिए, और विटामिन डी की कमी होती है तो विटामिन डी को सप्लीमेंट के रूप में, टैबलेट के रूप में यदि आप ले सकते हैं डॉक्टर के अनुसार, तो वो आपको लेना चाहिए। यदि आपको इस प्रकार के जो वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।